खरगोन जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में आईसीयू कंट्रोल पैनल में अचानक आग लग गई, जिसमें उठने वाले धुएं से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना लगते ही कर्मचारियों ने आईसीयू वार्ड में भर्ती चार मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि आग लगी थी जिस पर काबू पाया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सत्यन सिंह ने घटना को नॉर्मल बताकर अनुसंधान करने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई क्या की जाएगी इसमें? अब इसको अभी इसको जो कंपनी से जो किया है उसका कार्रवाई करेंगे। बैठे थे सिस्टर, मैं और सर डॉक्टर वहाँ पर हमारे स्टाफ रूम में, और तुरंत आवाज़ आने लगी। सर पेशेंट को देख रहे थे उस टाइम में, सर के सिस्टर की आवाज़ आ रही, तो सर ने और सर पेशेंट को देख रहे थे और मैं सर भी देख रहा था। देखने आई यहाँ पर तो पूरा रूम में धुआं धुआं हो गया था, और जहाँ की जो लाइन है मतलब मुझे तो इतना पता नहीं है इस बारे में, पर यहाँ से मतलब धुआं धुआं हो गया और आग लगने लगी, मतलब जलने लगा कुछ कुछ। तो सर को बोला कि सर यहाँ पे, सर भी फिर देखने आए तुरंत, तो सर बोले सिस्टर सबसे पहले पेशेंट को बाहर निकालना है। हम लोगों ने तुरंत भैया को बुलाया, जो हमारे साथ दिलीप भैया वार्ड बॉय थे उनको बुलाया, और चार पांच वार्ड बॉय अदर वार्ड से बुलवाया, और पेशेंट को हमने तुरंत शिफ्ट करवाया, और मैंने तुरंत सर को फोन लगाया। बाद में सब आए होंगे? हाँ, सभी सर आ गए थे, 5 मिनट में सभी जन आ गए थे। क्या कोई मरीज परेशान हुई? पेशेंट डर गए थे, इतनी आवाज़ इतनी जोर से आवाज़ आने लगी कि आईसीयू के अंदर तक जाने लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।